वही हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनते जा रही है। हालात ऐसे है कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही नगर निगम की लापरवाही से कई पार्क अभी तक सुचारू नहीं हो पाए हैं। वही नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। शहर में कई स्थान चिन्हित हैं जिनको पार्किंग बनाई जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग है उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं, और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी पार्ट रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम।